करनाल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हथियार के बल पर लूट की दहशत फैलाने वाले गिरोह को काबू किया है। पिछले कुछ दिनों से जिला करनाल के असंद कस्बा व आसपास के क्षेत्र में लूट का एक गिरोह सक्रिय था, जो आने जाने वालों के साथ हथियार के बल पर मारपीट करके लूट व छीना छपटी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिससे राहगीरों में दहशत का माहौल था। इस संबंध में कई मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा प्रबंधक थाना असन निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू को इस संबंध में कड़ा संज्ञान लेने के निर्देश दिए गए, जिस पर प्रबंधक थाना द्वारा उप निरीक्षक बलवान सिंह की अध्यक्षता में एक काबिल टीम का गठन कर इन वारदातों के संबंध में जांच शुरू की गई। उप निरीक्षक बलवान सिंह द्वारा जांच के इन मामलों के हर पहलू को गंभीरता से अध्ययन किया गया। गुप्त सूत्रों से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लड़के एक ऑल्टो कार में घूम रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके पास हथियार भी हैं, जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को धरपकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी सचिन पुत्र मामूराम निवासी रहाड़ा थाना असन, आरोपी मनदीप उर्फ गुल्ला पुत्र शमशेर सिंह निवासी रहाड़ा, आरोपी गोविंदा उर्फ आयरन पुत्र भीमा निवासी मलिकपुर थाना सफीदो, आरोपी राम निवास पुत्र रोशनलाल निवासी मलिकपुर थाना सफीदो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में करनाल जींद और कैथल में कुल 11 लूट की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 तेज धार हथियार और वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सचिन के खिलाफ पहले भी लूट व चोरी के 5 अन्य मामले दर्ज है और आरोपी मनदीप उर्फ गुल्ला के खिलाफ भी लूट का एक मामला कैथल जिला में दर्ज है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के मान्य अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। जनवरी महीने में खासकर असंध के एरिया में लगातार जो है लूट की और स्नैचिंग की वारदात हो रही थी, जिसके अंदर एक ऑल्टो गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा था। तो उसके लिए जो SHO असंध हैं मिस्टर सुरेंद्र, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करते हुए तब से लगातार इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूरे गैंग को काबू किया है। इसमें 4 व्यक्ति जो है इस पूरे वारदात में इन्वॉल्व थे, जिनके नाम सचिन और मनदीप, ये दोनों राड़ा गांव जो डिस्ट्रिक्ट करनाल थाना असंत में पड़ता है, और 2 लड़के मलिकपुर गांव है सफीदों में, ये वहां के रहने वाले, इनका नाम गोविंद और राम निवास है। तो जब इनको कल अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद इन्होंने कुल 11 वारदात जो अभी रिसेंटली हुई हैं जनवरी के महीने में ही, उन सबको इन्होंने जो है कन्फेस किया है कि इन्होंने की है, जिसके अंदर केवल डिस्ट्रिक्ट करनाल की 6 वारदात हैं, इसमें 3 लूट की और 3 स्नैचिंग की। ऐसे ही 5 वारदात लूट की सफीदों की है और 1 वारदात जो है डिस्ट्रिक्ट कैथल की। इनसे वो जो गाड़ी यूज़ कर रहे थे वो रिकवर की गई है, और जो चाकू और तलवार यूज़ करते थे, इनका जो टारगेट था वो जो राहगीर हैं लेट नाइट, उनको चाकू दिखा के और उनसे कैश और मोबाइल ये स्नैच करते थे, तो वो सारी रिकवरी भी अभी इनसे जितनी हो सकती है वो कर ली। बाकी अभी इनको कोर्ट में पेश करके ड्यूरिंग पुलिस रिमांड बाकी रिकवरी की जाएगी। इन्होंने ये इन सभी वारदातों में 8,000 9,000 10,000 जितना अमाउंट उनके पास था, या जो उनके पास कैश और जो मोबाइल जो भी बिलोंगिंग्स थे वो सभी ये लूट करते थे। कैश गैंग में कोई और शामिल है? कैश बरामद किया अमाउंट तो भी, हाँ अब वो अमाउंट ड्यूरिंग रिमांड बरामद किया जाएगा, इन्होंने कन्फेस कर लिया है। पुराने इसमें जो है 4 में से 2 लड़के ऐसे हैं, जो ये सचिन लड़का है इसके खिलाफ ऑलरेडी 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके अंदर चोरी और स्नैचिंग के हैं, और मनदीप के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज है थाना पुंडरी में कैथल में। बाकी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं ड्यूरिंग रिमांड, इसको वेरीफाई किया। कोई बड़ी वारदात में शामिल तो नहीं? किसी व्यक्ति को घायल बोल किया है तो कुछ पता चला? हाँ, इन्होंने जो 379B के केस हैं, यानी हमारे ही यहाँ 3 व्यक्तियों को घायल किया था, ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट जींद की वारदात है वहाँ भी घायल किया है, कैथल में भी घायल किया है। किसी अन्य गैंग से भी इनका संपर्क है? वो अभी ड्यूरिंग पुलिस रिमांड इनकी इंटरोगेशन डिटेल की जाएगी। कितने टाइम से ये वारदात कर रहे थे? ये सारी 1 जनवरी के बाद की वारदात है। नहीं, इससे पहले जैसे कब से 5 केस दर्ज है पहले से? कितने समय से? देखिए, ये 4 लोगों गैंग है, ये पहले भी वारदात में रहे हैं पुंडरी में, लेकिन इस एरिया में अभी स्टार्ट किया था इन्होंने जनवरी में। इंटरेस्टेड गैंग है, काफी एक दहशत का माहौल था, हर एक दिन 2 दिन छोड़ के वारदात लेट नाइट
अलग अलग जो है रोड्स पे। आपस में क्या रिलेशन है सब इन चारों के, दोस्त हैं क्या? ये साथी हैं चारों, एक दो तो एक ही गांव के हैं। हाँ सर, और मणिपुर भी सफेदों असंत के नजदीक है, तो जानकार है पुराने आपस में। पढ़ते भी हैं वो, तो अभी पढ़ते वो दो सारा डिटेल वेरीफाई करा लेंगे रूलिंग पुलिस रिमांड। ये रेकी वगैरह करते थे या सर्दियों में ये टारगेट, जैसे जो ये रात को लेट नाइट गाड़ी लेके निकलते थे और जो सामने से गाड़ी आए उसको रोक के, या व्यक्ति जो लेट नाइट, उनको टारगेट करते थे, लिफ्ट देंगे, चाकू मार दिया या उसको डरा धमका के, उससे कैश और मोबाइल। और ये देखिए इसमें एक तो गाड़ी थी वो सस्पेक्टेड थी, उसको टारगेट कर रहे थे, और एक अलग से टीम इसमें थाने की लगी हुई थी, उन्होंने ये सारा। गाड़ी बिना नंबर की थी सर? नहीं, गाड़ी पे नंबर था। गाड़ी किसकी है सर? ये गाड़ी वो चोरी की है, अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।